हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जब भी आप होम्योपैथी के बारे में कुछ भी सुनते होंगे तो आपके मन में ज़रूर होम्योपैथी को लेके कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे होम्योपैथी क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, किन किन बीमारियों में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के क्या क्या फायदे होते। हम बात करेंगे होम्योपैथी क्या है और किस तरीके से काम करती है। होम्योपैथी 200 साल पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है जिसका प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, जिसका मतलब है लेट सिमिलर्स बी ट्रीटेड बाय सिमिलर्स। मीन्स जब जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही होम्योपैथिक दवाएं उन सिम्टम्स को ठीक, जिन सिम्टम्स को वो ठीक कर सकती है, उन्हीं सिम्टम्स को वो प्रोड्यूस करने की भी क्षमता रखती है अगर हम उनको हेल्दी ह्यूमन बींग्स में देते हैं तब। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है। होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से वाइटल फोर्स पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं वाइटल फोर्स होता क्या है। वाइटल फोर्स एक ऐसी डायनामिक एनर्जी है जो हमारे पूरे शरीर पर समान रूप से फैली हुई है और एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी हमारी बॉडी को जब भी हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से ग्रस्त होती है। अब जब भी कोई भी बीमारी होती है हमारे बॉडी में तो वाइटल फोर्स वीकेंड हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में एक नेचुरल क्रॉनिक डिजीज या कोई भी डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे एक्ट करती है कि अब इन वाइटल फोर्स को, क्योंकि ये वाइटल फोर्स एक खुद ही डायनामिक एनर्जी है, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी डायनामिक होनी चाहिए इस वाइटल फोर्स को ठीक करने के लिए। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी डायनामिक होती है, कैसे, क्योंकि जब उनको बनाया जाता है तो एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन, जिस प्रोसीजर के दौरान होम्योपैथिक दवाएं की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और क्वांटिटी कम हो जाती है। इसी वजह से, क्योंकि अब होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वांटिटी, जो भी इसका सोर्स हमने लिया था उसकी क्वांटिटी कम है, बट इसकी क्वालिटी इम्प्रूव की गई है, जैसे जैसा कि मैंने बताया पोटेंटाइजेशन प्रोसेसर के द्वारा, तो अब इसके साइड इफेक्ट्स इसी रीजन से नहीं आते किसी भी, कोई भी पर्सन अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेता है तब। तो अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरीके से ली जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन लेने स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको खुद से कभी भी कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट को, जो भी आपके नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके बिना कंसल्टेशन के, उनके परामर्श के बिना आपको कोई भी दवाई शुरू नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी दवाई होम्योपैथिक में डिजीज के बेसिस पे नहीं होती, सिम्टम्स के बेसिस पे होती हैं। अगर हम बात करें किसी भी बीमारी का एग्जांपल लें, जैसे एक नॉर्मल फीवर का ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर चार बंदों के फीवर है, चार लोगों के, चार पेशेंट्स की अगर फीवर है, तो जरूरी नहीं है चारों पेशेंट पे सेम दवाई दी जाएगी, सभी पेशेंट की अलग दवाई होगी, डिपेंड करता है उनका उस टाइम क्या सिम्टम्स आए हैं। प्रति सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे, एक इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे मेडिसिन जाती है। आप जब भी किसी होम्योपैथ के पास जाते होंगे तो आपकी कंप्लीट केस टेकिंग ली जाती है वहां पर। वहां पे क्यों आपकी कंप्लीट केस टेकिंग ली जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में सिर्फ एक सिम्टम को नहीं, एज ए होल ट्रीट किया जाता है, किसी भी पेशेंट को एज ए होल ट्रीट किया जाता है, ताकि आपका सिर्फ सिम्टम ही रिमूव ना किया जाए, पूरी डिजीज, पूरी बॉडी में आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट किया जाए। तो होम्योपैथी में आपकी कंप्लीट केस टेकिंग में आपका पूरा फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, पर्टिकुलर्स और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आपकी अच्छे से केस टेकिंग लेना बहुत जरूरी है। इसी वजह से कहा जाता है कि होम्योपैथी की दवाएं खुद से कभी नहीं लेनी चाहिए, एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से ही आपको कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही सेफ है, क्यों, क्योंकि ये जितने भी नेचुरल सोर्सेज हो गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ह्यूमन सिक्रेशंस, इन सब के बहुत माइन्यूट पार्ट से लिया जाता है, और इनका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंटाइजेशन प्रोसेसर के द्वारा
इन दवाइयों को बनाया जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा सेफ है। सेकंड पॉइंट कि ये वाली दवाएं बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ती है। आपको ये दवाएं खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये दवाएं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ऐसे कड़वी कड़वी दवाई खाने के लिए, बट होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छी लगती है उनको कि वो खुद से ही मांगते हैं कि हमें ये दवाई चाहिए। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो कैंडीज की तरह ये दवाई इजिली ले लेते हैं और अपनी बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तीसरी हम बात करेंगे कि ये किसी भी एज के ग्रुप के लोग ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है जो वुमेन है किसी भी लाइफ स्टेजेस में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकती हैं, चाहे उनकी प्यूबर्टी एज हो, चाहे प्रेगनेंसी पीरियड हो, चाहे लैक्टेशन का टाइम हो, मतलब चाहे वो गर्भावस्था में हो या फिर अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस टाइम भी अपने ये दवाएं ले सकती है। किसी भी बीमारी को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ सिम्टम्स को नहीं, किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में आप सहायक रहती है। ये दवाएं आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं, और इन दवाओं का क्रोनिक डिजीज में जैसे बहुत लंबे समय तक चल सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी जो डिजीज है वो कितने समय से चलती आ रही है। तो अगर आप इन दवाओं का कई दिन तक भी सेवन करते हैं तो इनका एडिक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट इज कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन किन किन बीमारियों में आप ले सकते हैं। जितनी भी मेंटल इलनेस होगी, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, और जैसे हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम होगी, जैसे स्कैल्प पे सोरियासिस हो गया, स्कैल्प पे ही नहीं अगर बॉडी में कहीं भी सोरियासिस हो गया तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, एक्ने हो गया, स्किन पिगमेंटेशन, मेलेज्मा हो गया, ठीक है, और हाइपोपिगमेंटेशन, विटिलिगो, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, नोज का इन्फेक्शन, आइज का, ईयर्स का, कहीं का भी कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ईजिली ले सकते हैं। कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम होगी, मस्कुलर पेन हो गया, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई, और जितनी भी फीमेल कंडीशंस होगी जैसे पीसीओडी होगी, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, इनके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर डिजीज और उसके थेरेपी से रिलेटेड होगी, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स पर्टेनिंग टू होम्योपैथी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।